वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस. माय नेम इज शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस. सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस द फिजिक्स क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड. द नेम ऑफ चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 3. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द अपटर फोर्स, बॉयंस फोर्स और फैक्टर अफेक्टिंग बॉयंस फोर्स, डिपेंडेंस एंड और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम लोग. तो देखते हैं कितना आज हम लोग कवर कर पाते हैं, है ना. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो हम लोगों ने कल बेटा एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर पढ़ लिया था कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं लिक्विड प्रेशर के, ठीक है. तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जो सबमरीन होती हैं उनको, मतलब जो बनाया जाता है बहुत हार्ड थिक मेटल से बनाया जाता है शीट से, तभी तो वो इतने पानी के हाई प्रेशर में भी अंडर द वाटर इतनी आसानी से उसमें जो है रखी रहती हैं, डूबती नहीं है, ठीक है, ख़राब नहीं होती उनकी बॉडी. फिर है हाइड्रोलिक मशीन का यूज़ भी, अब मैंने बताया था आपको पास्कल का लॉ का ही एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने के लिए किए जाते हैं वाटर में उसका, ठीक है. और मैंने फिशेज का भी एग्जाम्पल बताया, कुछ फिशेज जो होती हैं वो कैपेबल होती हैं कि बहुत हाई प्रेशर से ऊपर आती हैं सरफेस पे पानी के, ताकि वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके, नहीं तो उनकी बॉडी फट जाएगी, है ना. तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रिंसिपल. सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है इसमें, पहले बुक में देखते हैं अपने, ठीक है, कि लिफ्टिंग अ लार्ज वेसल्स फिल्ड विद वाटर इज़ नॉट वेरी इजी. हाउएवर दिस इज़ बिकम इजियर व्हेन सेम वेसल फिल्ड विद वाटर इज़ बीइंग लिफ्टेड इनसाइड वाटर, एग्जाम्पल स्विमिंग पूल और लेक. तो कह रहा है कि लिफ्टिंग अ लार्ज वेसल फिल्ड विद वाटर, अगर हम लोग कोशिश करें, ठीक है, एक लार्ज वेसल को कोशिश करें कि पानी के साथ उसको निकाल लें, तो क्या इजी होगा वो हमारे लिए? नहीं. दिस बिकम ईजियर व्हेन सेम वेसल, ये ईजियर तब होगा जब सेम वेसल वाटर का जो वो लिफ्टेड हो इनसाइड द वाटर इटसेल्फ, उससे पानी भरा हो, एग्जाम्पल स्विमिंग पूल और लेक, ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज इन लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सबमर्ज होता है यानी कि डूबता है लिक्विड में, ठीक है, तो लिक्विड का कुछ पार्ट होता है एग्जैक्ट पार्ट प्रेशर जो होता है वो हर साइड पर ऑब्जेक्ट को की तरफ लगता है. लेटरल प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट अस फोर्सिंग अफेक्ट द इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन. जो लेटरल फोर्स लगता है वो अपो क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है उसको कैंसिल कर देता है, और जो प्रेशर एक्ट करता है वर्टिकली अपवर्ड एंड लोअर सरफेस पे वो सबमर्ज करता है बॉडी को मोर वर्टिकली मोर डाउनवर्ड, है ना. सो डिफरेंस प्रेशर यहाँ पे काम कर रहे हैं. दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथर्स फोर्स एंड बॉयंस फोर्स. नहीं समझ में आया आप लोग को, कोई बात नहीं. अब इसमें देखो, ठीक हो, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग, सबसे पहली बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वाटर है, वाटर बॉडी है, सपोज कर लो ये वही वाटर बॉडी है, कुछ भी है इसमें बीकर ही है समझ लो, ठीक है, कुछ बीकर ही है इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आधा या फिर पूरा, ठीक है, लिक्विड में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग कि बॉयंट फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है उसके वेट के, है ना, ऑफ लिक्विड डिसअपीयर बाय द ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर हमने यहाँ पर कोई सिक्का डाला, इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है, तो जब सिक्का डाला तो उसमें जो है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो इसके द्वारा हटाए गए पानी के फोर्स के बराबर होगा. मतलब हमने सिक्के को डाला तो कुछ पानी बाहर भी निकला होगा, ठीक है, हमने कुछ पानी यहाँ पे बाहर भी निकला होगा. जो पानी बाहर निकला है वो उस, और जो है जब इसको मीज़र करोगे आप लोग तो वो पानी जो होगा, जो वाटर होगा जो बाहर निकला है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा. यही बताया था आर्किमिडीज ने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वूली और पार्शली, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरा या हाफ तरीके से पानी में डुबोते हैं, किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो डेट इज़ एक्सपीरियंस द बायंट फोर्स विच इज़ इक्वल द वेट ऑफ इट डिसअपियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जितना पानी हटाया गया है उस बॉडी के ऑब्जेक्ट के द्वारा उस वेट के बराबर होता है. अब बायंस क्या होता है, बायंसी प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड की जो अपवर्ड फोर्स की तरफ लगती है, मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं बॉयंस फोर्स. बॉयंसी एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की जो
एग्जर्ट करता है ऊपर की तरफ फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ वहाँ पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो हम बोल सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू बॉयंस फोर्स। बॉयंट फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। याद रखिएगा ऐसा यूनिट जो होता है अपथ्रस्ट का वो न्यूटन होता है। लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, यानी कि कितना उसने जो है वेट लॉस किया, यानी पानी में डालने के बाद उस ऑब्जेक्ट का कितना पानी जो कितना वेट उसका लॉस हुआ उसका क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा। आपने ये चीज़ फील की होगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें फील की होगी। यहाँ पे एग्जांपल देखो दिया है कि अगर कोई बॉडी का वेट मान लो 80 न्यूटन है हवा में, एयर में, एंड 70 न्यूटन वाटर में, मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल रहे हैं तो उसके वेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मान लो यहाँ पे 70 पहले जो है उसका वेट 80 न्यूटन था और बाद में जब हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया तो उसका वेट जो है वो 70 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉस का पता करना है, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाटर का, तो पहले कितना था एयर में 80 था और बाद में हमारे पानी में डालने के बाद कितना हुआ 70 न्यूटन, तो कितने के बराबर आया 10 वुड, ठीक है, तो 10 न्यूटन के बराबर आया। अब आप देखो ये 10 न्यूटन जो है उसके बराबर हो जाएगा किसके, जो वेट हटाया गया। तो द अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी, अब यहाँ से आपको अपथ्रस्ट फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे कि बॉडी का वेट जो है वो लेस इन लिक्विड, है ना, लिक्विड में बॉडी का वेट कम हो गया था एंड बॉडी का वेट जो है वो लिक्विड का उसके अपेरेंट वेट के बॉडी के बराबर होगा। अपेरेंट वेट मतलब बॉडी का जो लॉस हुआ है, ठीक है, तो ट्रू वेट में से हम लोग घटा देंगे अपथ्रस्ट लिक्विड। तो ट्रू वेट हमारा कितना था, पहला उसका वेट कितना था 80 न्यूटन था, है ना, हवा में, और उसके बाद अपथ्रस्ट इन लिक्विड यानी कि उसने कितना फोर्स, कितना जो है उसने वेट लॉस किया था 10 न्यूटन का। तो जब हम इन दोनों को हटाएंगे तो हमारा कितना आ गया अपेरेंट वेट 70 न्यूटन, यानी कि जो बॉडी का वेट है, ठीक है, लिक्विड में जाने के बाद वो उसके द्वारा हटाए गए वेट के बराबर हो जाएगा। देखो दोनों इक्वल हो गए ना, 70 न्यूटन ये भी हो गया और 70 न्यूटन तब भी था हमारा जब कितना उसने फोर्स जो है लगा था, और यहाँ पर कितना आया था हमारा 70 न्यूटन लगा था, ठीक है, वाटर में उसने लॉस 70 न्यूटन था और उसके द्वारा हटाए का वेट भी कितना है 70 न्यूटन ही है, ये उसका हो गया अपेरेंट वेट। अब अपेरेंट वेट क्या होता है, देखो बायंसी तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट भी इसका हमने पढ़ लिया, है ना। अब लॉस इन वेट बराबर अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है ये भी बता लिया। अपेरेंट वेट क्या होता है, तो बॉडी का वेट लेस इन द लिक्विड, द वेट ऑफ बॉडी लिक्विड, बॉडी का वेट जो लिक्विड के अंदर है उसी को बोलेंगे उसका अपेरेंट वेट, यानी कि बॉडी जो है कोई भी बॉडी जो है वो वाटर के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर बॉडी के जो है वाटर के अंदर जो बॉडी का वेट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे उसका अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लोगे, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। ट्रू वेट मतलब जो पहले आपका जो है वेट था, जैसे एयर में कितना था 80 न्यूटन था और अपथ्रस्ट हमने कितना निकाला था 10 न्यूटन, तो माइनस कर देंगे तो वो इसके इक्वल आएगा 70 न्यूटन के, तो वही हमारा क्या हो जाएगा बायंस फोर्स। इससे क्या समझ में आता है आपको कि आर्कमिड्स का प्रिंसिपल सही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको पानी में अगर हम आधा पूरा डालेंगे तो वो क्या होगा, वो कुछ जितना फोर्स जितना जो है वो पानी में डिस्प्लेस करेगी अपना पानी, ठीक है, वो उसके द्वारा हटाए गए वेट के बराबर होगा, उसकी बॉडी के वेट के बराबर होगा, ठीक है, इतनी चीज़ उन्होंने बताई थी। क्लियर हो गया, चलो अब देखते हैं हम लोग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे बॉयंस फोर्स को, किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात देखो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड, ठीक है, कितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, ये अफेक्ट करता है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूड, फ्लूड की घनत्व कितना है, कितनी डेंसिटी है, है ना। तो यहाँ पर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट सबमर्ज पार्शियली वुली लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम एंड लिक्विड विच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मिला जुला की बात वही है कि फैक्टर दो ही अकाउंट कर रहे हैं यहाँ पर, एक वॉल्यूम जितना हम लोग अमाउंट लेंगे वाटर का, और एक डेंसिटी कितना फ्लूड की डेंसिटी कितनी, कितनी घनत्व है, कितना ज़्यादा वो घना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी 5, 6 इस सब में कर करके दिखा गया है कि कौन सा जो है इजी पड़ रहा है, किस तरीके से हम लोग इसको वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, बॉयंस फोर्स को पता लगा सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको अभी शायद मिलेंगे नहीं, क्लास 9th में मिलेंगे। चलो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, हाँ, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग हम लोग को पढ़ना है। तो देखो अब आप देखो ज़रा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आप लोग देखते हो कि लिक्विड में पानी में आसानी से डूब जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो आसानी से जो पानी में हैं तैरते रहते हैं लिक्विड सरफेस पे, ऐसा क्यों होता है। सो डायनेमिक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग रिलेटेड, तो ये जो है साइंटिस्ट ने पता लगाने के लिए इसके बहुत सारे प्रोसेस किए, पता लगाने के लिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कुछ चीज़ें जो है पानी में डूब रही हैं और कुछ चीज़ें आसानी से तैर रही हैं। तो ये सारा जो काम होता है ना, इसमें दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं प्लेस्ड इन लिक्विड सरफेस टू फोर्स, यहाँ पर दो फोर्स ऐड कर रहे होते हैं सिंकिंग एंड फ्लोटिंग में। कौन कौन से दो फोर्स, पहला तो वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड,
बॉडी का वो वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है ना। दूसरी बात अपथ्रस्ट और बायंस फोर्स। अपथ्रस्ट मतलब वो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है। और वन ऑफ थ्री ऑकोमेट आउटकम पॉसिबल, इसमें से ये दोनों वेट जो है हमारा, जो दो बातें हैं आपको याद रखनी है कि एक तो क्या कर रहा है, एक तो जो वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। और इसमें कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ों को देखकर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, या तो क्या करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके सरफेस पे फ्लो करेगा, या तो ऑब्जेक्ट आधा जो है पानी में रहेगा और आधा जो है सरफेस के ऊपर रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से कंटेनर के अंदर डूब जाएगा। यहाँ पर तीन कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर तीनों में क्या लिया गया है, यहाँ पर एक लकड़ी का जो है बॉक्स लिया गया है और उसमें देखा गया है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ में कभी क्या हुआ है कि पानी के ऊपर है वो, कभी पानी के बीचों बीच है और कभी पानी के एकदम अंदर चला गया है ना। तो ये तीन केस यहाँ पे बनाए गए हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री। इसी की बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, पहले ज़रा हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो देखो, सो डायनेमिक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग रिफर टू द अपथ्रस्ट एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है लिक्विड में सरफेस पे तो दो फोर्स पे काम कर रहे होते हैं, कौन कौन सा मैंने बताया था, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट, वो वेट जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, और दूसरा बॉडी का अपथ्रस्ट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ काम कर रहा है। जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वो कहता है कि डेट अ बॉडी फ्लोट इन लिक्विड इन द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी। आर्कमिडीज से बिल्कुल मिलता जुलता इनका केस है। क्या कह रहा है भाई कि जब कोई क्या कहता है कि बॉडी जो है जब फ्लोट करती है लिक्विड में तो उसका वेट जो होता है या तो उसके पानी के बराबर होगा, या तो जो है वो क्या होगा उसके पानी जो बॉडी का वेट होगा ना वो हमेशा जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो केस वन में क्या बताया गया, इस केस में पार्ट ऑफ बॉडी इज अबव द सर्फेस लिक्विड एंड बाय बॉडी फ्लोटिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वाटर का लिक्विड का वो डिस्प्लेस कर रहा है कम पानी को, है ना। वॉल्यूम का ब्लॉक क्या है यहाँ पे वो सॉलिड जो है वो यहाँ पर एयर गैप्स नहीं है, कैविटी नहीं है, इसी वजह से वो क्या करी आसानी से यहाँ पर तैर पा रही है। ये इसका वेट है पानी के अंदर और ये इसका अपथ्रस्ट फोर्स है। केस टू में हमारा एग्जांपल है आइसबर्ग फ्लोट। आप लोगों ने देखा है जो बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, ठीक है, वो फ्लोट कर रहे होते हैं आसानी से, जिसमें 10% वॉल्यूम एक्सपोज अबव द वाटर एंड डेंसिटी जो होती है इसकी आइस की कम होती है वाटर से, है ना। इसी वजह से ये आसानी से क्या होते हैं तैर रहे होते हैं। आइसबर्ग को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आइसलैंड में देखा होगा ना आप लोगों ने, ग्लेशियर वगैरह को। केस टू में कह रहा है कि जब हमारी बॉडी का वेट जो है वो बराबर है अपथ्रस्ट फोर्स के, जब बॉडी का वेट अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा तो भी हमारी बॉडी तैरेगी, हमारी ऑब्जेक्ट तैरेगा। इस केस में क्या किया गया कि ब्लॉक को फ्लोट किया गया है, वूल द ब्लॉक इज यूजिंग जस्ट इनसाइड द लिक्विड, है ना, और जस्ट बैलेंसिंग वेट ऑफ ब्लॉक, वेट लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पर भी क्या किया, देखो अपथ्रस्ट फोर्स और जो हमारा बायंस फोर्स है यानी जो वेट है वो दोनों इक्वल है बॉडी का वेट, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो भी वो क्योंकि सबमर्ज मतलब आधी डूब पानी के अंदर है और आधी जो है थोड़ा सा बाहर है ना, यहाँ पर देखो सेंटर में। फिर है हमारा केस थ्री। केस थ्री क्या कह रहा है, जब हमारा वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और अपथ्रस्ट फोर्स कम लगेगा तो हमारी बॉडी जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। इस केस में देखो क्या हो रहा है कि संक बॉटम द वेसल एंड वेट डिस्प्लेस द लेसर वेट ऑफ ब्लॉक। मेनली यही बताया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या है कम लग रहा है और बॉडी का वेट ज़्यादा है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। इसका मतलब है कि अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट, यानी अपथ्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए बॉडी के वेट से, दैट इज़ अपथ्रस्ट कम होगा तो क्या होगा जो इसका ये राइजिंग है जो लिक्विड है वो क्या होगा डुबा देगा, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने सबमरीन के केस में देखा होगा, सबमरीन जो है जो पनडुब्बियाँ होती हैं वो जो होती हैं उनको जब मतलब नीचे रखना होता है पानी के अंदर तो वो डूबी रहती हैं, है ना, उनके अंदर वो चीज़ हटा दी जाती है, सारा पानी निकाल दिया जाता है और जब उनको फिर से ऊपर लाना होता है तो वो पानी उसमें फिल कर दिया जाता है। सो ये होता क्यों है, बिकॉज नेट ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड वन ब्रेक सरफेस लिक्विड अपथ्रस्ट यू है, सब केस जो है वो वेट का है और अपथ्रस्ट फोर्स का है। सो सिंपल सी बात है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन ने आपको बता दिया कि जो है डेट अ बॉडी फ्लोट इन लिक्विड, जो बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही है अगर उसका वेट बॉडी के वेट के इक्वल के बराबर है और लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसके बराबर है तो पार्शली वो सबमर्ज कर जाएगी बॉडी में। अपेरेंट वेट जो होगा वो जीरो होगा वेयर एवर बॉडी फ्लोट इन लिक्विड। अगर जो है अगर कोई बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है तैर रही है तो उसमें अपेरेंट वेट क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अब इसके क्या क्या भाई जो है इसका क्या क्या वो सारा इसमें जो है दिया गया है ना लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है हमारा, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में देखो क्या क्या दिया हुआ, ये देखो यहाँ पर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं।
ये तो हम लोग बढ़ चुके हैं कि ये याद रखना तीन केसेस कि जब जो है क्या होगा, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, अब थ्रस्ट फोर्स कम होगा तो बॉडी सिंक कर जाएगी बॉटम ऑफ द लिक्विड। अगर बॉडी का वेट जो है वो क्या होगा, कम होगा अप थ्रस्ट फोर्स के, तो जो है बॉडी पार्शली सबमर्ज होगी लिक्विड में। अगर बॉडी का वेट बराबर होगा अप थ्रस्ट फोर्स के, तो बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी लिक्विड में और वुल वॉल्यूम जो होगा उसका इमर्ज होगा लिक्विड में। वाई इट्स ईजियर फॉर अ मैन स्विम इन सी वाटर फ्रेश वाटर, ये आप लोगों के क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा क्यों होता है कि समुद्र के पानी में इंसान आसानी से तैर सकता है इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो जान लो, तो देखो ऐसा क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि बताएं समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब होता है सी वाटर में, है ना। तो जो सी की डेंसिटी को क्या कर देते हैं, सी की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। आपको पता है वाटर की डेंसिटी जो है सी की, और सी वाटर की डेंसिटी होती है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर, और जबकि रिवर, नॉर्मल रिवर की अगर हम बात करें तो इसमें कोई सॉल्ट वगैरह मिले नहीं होते, इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम मिलीलीटर। इसी वजह से जो भी मैन हैं वो ऐसा फील करते हैं कि क्या होता है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उनका कहना है कि जो सॉल्ट वाटर में, मतलब के समुद्र के पानी में हम लोग ईजिली तैर सकते हैं इन कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है FB=VDG, जहाँ पर आपका जो है ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉयंस फोर्स है, और ये VDG जो है अपना डेंसिटी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि हम लोग आसानी से उसमें तैर सकते हैं, किसमें, हमारा रिवर, सॉरी मराइन वाटर में, यानी समुद्र के पानी में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन में। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इस पर। सबसे पहला है कि लार्ज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट इन वाटर बट स्मॉल आयरन नेल सिंक। आप देखते हो कि क्या होता है कि बड़े बड़े शिप जो होते हैं वो आसानी से तैर पाते हैं समुद्र के पानी में, जबकि छोटा सा सुई का जो छोटा सा नील जो है कील होता है वो डूब जाता है आसानी से। क्यों? ए शिप हैज़ हॉलो कॉन्केव शेप, क्योंकि शिप को जो है वो कैसा बनाया गया है, हॉलो कॉन्केव शेप बनाया जाता है ताकि वो उसका ज़्यादातर जो स्पेस हो वो एम्प्टी हो, खाली हो, देयरफॉर इट डिस्प्लेस इट वेरी लार्ज वॉल्यूम, और वहाँ पर खाली जगह ज़्यादा रहे और वाटर एंड एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पर लार्ज अपथ्रस्ट फोर्स होता है। इसी वजह से जो है लार्ज अपथ्रस्ट फोर्स होने की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से वो आसानी से तैर सकता है। जबकि एक आयरन की नेल जो होती है वो कम्प्लीटली जैसे हमने उसको पानी में डाला वैसे ही वो क्या करेगी, डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? क्योंकि वो उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाई, उतना पानी नहीं हटा पाई जितना उसका वेट था, इसी वजह से वो आसानी से उसमें डूब जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि हाइड्रोजन फिल्ड बैलून राइज अपवर्ड, दिस हैपन बिकॉज द वेट एयर डिस्प्लेस इज मोर देन वेट ऑफ बलून, हाउ एवर आफ्टर राइजिंग सर्टेन हाइट स्टॉप राइजिंग, द डेंसिटी ऑफ एयर गोज डिक्रीजिंग एज एटीट्यूड इंक्रीजेज, व्हेन अपथ्रस्ट बिकम इक्वल वेट बलून इज स्टॉप राइजिंग। हाइड्रोजन फिल्ड बैलून जो होते हैं वो अब ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आती है जब वहाँ पर क्या होगा कि वो वेट जो होगा जो है वो रुक जाएंगे, वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी वहाँ पर फिर घटने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे एटीट्यूड में वो ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी उनकी घट रही है। तो यहाँ पर भी अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है। फिर है आइसबर्ग जो होते हैं, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो फ्लोट करते हैं 90%, ठीक है, उनका मास डूबा रहता है पानी में लेकिन कुछ सरफेस जो है वो तैरता रहता है। तो ये डेंसिटी जो होती है आइस वाटर की वो लेस देन होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसी वजह से वो आसानी से तैर पाते हैं वाइल फ्लोटिंग, जबकि जो वेट होता है वाटर का वो डिस्प्लेस किए गए इक्वल के बराबर होता है, है ना। फिर सबमरीन जो होती हैं कैन फ्लोट और सबमर्ज इन वाटर, जो सबमरीन होती हैं बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ होती हैं वो आसानी से पानी में तैर पाती हैं, क्योंकि उनका जो है इन इट्स बेली हैज़ लार्ज टैंक, उनके जो है बहुत लार्ज टैंक नीचे की तरफ बनाए जाते हैं, है ना। वेन हैज़ टू थिंग, जब उनको डुबाना होता है तो उस टैंक में पानी फिल कर दिया जाता है, और जब उनको ऊपर आना होता है तो उस पानी को निकाल दिया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस किया जाता है। कुछ टाइप के एयर ब्रेडर जो है फिशेस होती हैं जिनमें एयर गैस होते हैं, व्हेन वेंट टू राइज अप, वो जब ऊपर की तरफ आती हैं तो उनके एयर ब्रेडर जो होता है वो डिफ्यूज़, मतलब बॉडी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उनका वॉल्यूम साइज़ बढ़ जाता है और अप थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से वो लोग ऊपर की तरफ आती हैं बहुत तेज़ी से, और फिर गैसेस जो होती हैं ब्लडर में उनके भरी होती हैं और वेट उनका बॉडी का बराबर हो जाता है, जिससे हेंस दे सिंक, ठीक है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड हेंस दे सिंक। और जब इनकी बॉडी का वेट क्या होगा वो ज़्यादा हो जाएगा अप थ्रस्ट फोर्स से, तो ये डूब भी सकती हैं। अब है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड मेक यूज़ टू लॉ ऑफ रोटेशन।
लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? लॉ ऑफ रोटेशन को पता करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। स्विमिंग इन सी वाटर, देखो मैंने बताया था ना कि स्विमिंग इन सी वाटर, समुद्र के पानी में ईजियर है तैरना इन कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होता है। डेड सी में जो होते हैं सॉल्ट ज़्यादा होता है, डिसॉल्व सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, मैंने अभी बताया, ठीक है। ईजी टू से ऑल फ्लॉट डेड सी, वेन शिप इंटर सी वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर देन सिंक लेस, ठीक है। अगर कोई शिप जो है वो समुद्र के पानी में तैर रहा है तो उसके डूबने के चांसेस कम होते हैं इन कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।